मेष राशि टिन नौकरी करियर और पैसों के लिहाज से दिन अच्छा है। नई नौकरी या प्रमोशन की कोशिश में है तो आपकी कोशिशें पूरी हो सकती हैं। आपकी उत्सुकता भी चरम पर हो सकती है। आज आप नए लोगों से संपर्क कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में बहुत से लोग आपसे सहमत भी हो सकते हैं। बहुत से लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। अपनी प्लानिंग गुप्त रखें तो ही अच्छा है। नेगेटिव काम काज में मन कम ही लगेगा। आज आप कुछ और ही करना चाहेंगे लेकिन कार्यक्षेत्र की व्यस्तता के कारण मौका नहीं मिलेगा। मनोरंजन के बनाए प्लान फेल हो सकते हैं। पैसों से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। कहीं से आपको कुछ निवेश की भी सलाह भी मिल सकती है। सावधान रहे, कोई नया काम शुरू करने से पहले पूरी सावधानी रखें। निवेश को लेकर सावधान ही रहे, कहीं पर पैसा ना फंसाए तो ही अच्छा है। कुछ भी काम करने से पहले थोड़ा सावधान जरूर रहे, परेशानियां आपको बिजी रखेगी। क्या करें, छोटे बच्चे को चॉकलेट खिलाएं? लव पार्टनर आपकी भावनाओं को हर्ट कर सकता है। करियर अचानक धन हानि के योग बन सकते हैं। कार्यक्षेत्र में इस योग नहीं मिलेगा। सावधान रहे, स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल रहेगा। कॉमर्स फील्ड के स्टूडेंट्स को आसानी से सफलता मिलेगी। हेल्थ, पेट की तकलीफ भी आपको परेशान कर सकती है। वृषभ, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। कोई महत्वपूर्ण काम भी कर सकते हैं जो आपको बड़ा फायदा देने वाला रहेगा। पूरी मेहनत करने पर मजा आएगा। किसी पुराने काम को निपटाने के बाद आपको फायदा मिलेगा। नया काम शुरू करने के बजाय पुराना काम समेटने पर ज्यादा ध्यान दें। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए दिन अच्छा रहेगा। दूसरों से आगे निकलने की इच्छा आज तेज हो सकती है। नेगेटिव, किसी फालतू विवाद या झंझट से बचने के लिए आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। संवेदनशील मामले या पैसों को लेकर किसी के साथ अनबन होने के योग बन रहे हैं। परिवार के लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। मन में हल्की बेचैनी हो सकती है। घर और ऑफिस दोनों जगह कुछ परेशान करने वाला माहौल बन सकता है। सावधान रहे, ऐसे में शांति और धैर्य ही आपका सहारा है। क्या करें, शिवलिंग पर सफेद फूल चढ़ाएं? लव, अविवाहित लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। प्रेम प्रस्ताव मिल सकते हैं। करियर, नौकरी या बिजनेस में किसी तरह का विवाद हो सकता है लेकिन पार्टनर से सहयोग भी मिलेगा। वाणी पर संयम रखें। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है। हेल्थ, आज आपकी सेहत भी सामान्य रहेगी। मिथुन, पॉजिटिव, आज आप मजबूती और धैर्य से काम लेंगे। नकारात्मक विचारों और ऐसे माहौल से दूर रहने की कोशिश करेंगे। आप सफल हो जाएंगे। दिन भर पैसों के बारे में ही सोचते रहेंगे। भूमि और प्रॉपर्टी के कामों से भी धन लाभ होने के योग है। कोई नया काम करने की सोच रहे हैं तो आपके सामने कुछ और काम आ सकते हैं। रोजमर्रा के काम काज ज्यादा ही रहेंगे। थोड़े समय में सब ठीक हो जाएगा। धैर्य रखें। ऑफिस में अपनी प्रगति के बारे में विचार करेंगे। आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ नया सीखना होगा। सेहत संबंधी मामलों में आपकी चिंता कम हो जाएगी। नेगेटिव, रिश्तों के क्षेत्र में आपको किसी कठिन स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। आप कोई फैसला करने के पहले थोड़ा इंतजार करें। कुछ मामले उलझ भी सकते हैं। आप खुद असंतुलित व्यवहार करेंगे तो हालत खराब हो सकती है। दूसरों की मदद करते करते खुद भी थकावट महसूस करेंगे। कोई काम किसी पर पूरी तरह डिपेंड होकर ना करें तो ही अच्छा है। क्या करें, घर या ऑफिस की टेबल पर लाल फूल रखें? लव, आज मिथुन राशि के लोग पार्टनर की सेहत पर ध्यान दें। लाइफ पार्टनर पर अपनी भावनाएं जबरदस्ती ना थोपे। करियर, कार्य क्षेत्र संबंधित कामों में दौड़ धूप से परेशान हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए नकारात्मक दिन भी हो सकता है। मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ सकती है। हेल्थ, कमर दर्द और बदन दर्द भी हो सकता है। सावधान रहे। कर्तव्य, आज आप जो भी काम करेंगे उससे आपको कुछ ना कुछ फायदा तो होगा ही। काम काज से आपको पैसा मिलेगा।
मन में पैसों को लेकर कई तरह के विचार आ सकते हैं, इन पर तुरंत कोई कदम भी उठा सकते हैं। आप कागजी काम निपटाने पर भी ध्यान दें, कुछ कागज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं या हो सकते हैं। घूमने फिरने के लिए भी समय अच्छा रहेगा। नेगेटिव किसी बात के बारे में, जब तक कोई स्थिति पूरी तरह साफ ना हो जाए या आपको सारी बात पता ना चल जाए, तब तक आप कोई फैसला ना करें। कोई व्यक्ति आज आपसे कोई गलत काम करने की मदद भी ले सकता है, आपको ऐसे कामों के लिए कोई उत्साह भी सकता है, इसे लेकर हल्का विवाद भी होने की संभावना है। कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है। रोजमर्रा और महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने में मेहनत और भागदौड़ भी ज्यादा हो सकती है। किसी भी फैसले में जल्दबाजी करने से बचें, क्या करें और क्या नहीं, झूठ ना बोलें, अगर मजबूरी में बोलना पड़े तो गणेश में मंदिर में नारियल दान दें। लव पार्टनर का मूड अच्छा रहेगा, पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा। करियर बिजनेस में नए संबंध बन सकते हैं, कार्यक्षेत्र में सम्मान और सहयोग मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है, हेल्थ मानसिक और शारीरिक थकान से परेशानी हो सकती है। सिंह पॉजिटिव काम काज के साथ आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है, दिन भर व्यस्तता भी रहेगी। बिजनेस के कुछ मामले आप समझदारी से निपटा सकते हैं, बहुत हद तक आप सफल रहेंगे। ऑफिस में थोड़ी शांति रहेगी, यात्रा का कोई कार्यक्रम भी बना सकते हैं, परेशानियों से निपटने की प्लानिंग बनेगी। नेगेटिव, सावधान रहना होगा, निवेश करने के लिहाज से दिन ठीक नहीं है, भावनात्मक तौर पर कमजोरी या खालीपन जैसा महसूस होगा, सावधान रहे, चोट और एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं। परिवार के किसी काम से अचानक भाग दौड़ भी हो सकती है, आपकी सोच में जिद शामिल रहेगी, इससे आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है। पैसों की कमी भी आपको महसूस हो सकती है, कोई भी नया काम करने से बचना होगा। क्या नहीं करें, अपने से निचले वर्ग के कर्मचारी या मजदूर से विवाद ना करें। लव, किसी को प्रपोज भी कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। करियर, कार्यक्षेत्र में अधिकारियों की मदद मिल सकती है। बिजनेस के मामले में दिन सामान्य रहेगा, स्टूडेंट्स को सफलता मिलने के योग है, दिन अच्छा है। हेल्थ, मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कन्या पॉजिटिव, पुरानी चिंता से मुक्ति मिलेगी, खुद पर ध्यान देंगे, नए कपड़े खरीद सकते हैं, आपकी सक्रियता का स्तर बढ़ सकता है, समाज व परिवार दोनों क्षेत्रों के कामकाज पूरे हो सकते हैं, दिमाग में कई तरह के आइडिया आ सकते हैं, सामाजिक मेलजोल के मौके भी मिल सकते हैं, विपरीत लिंग वाले लोग आपसे प्रभावित हो सकते हैं। इनकम और खर्चों के मामलों पर आपको ध्यान देना होगा, सफलता के लिए धैर्य जरूरी है, दोस्तों से मदद मिलती रहेगी। नेगेटिव, घर परिवार में कुछ निराशाजनक स्थितियां भी बन सकती हैं, आपको सावधानी और चतुराई से काम लेना होगा, छोटी सी बात या आपकी किसी आदत के कारण परिवार की शांति भी बिगड़ सकती है, परिवार के कुछ लोगों के कारण आप अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाएंगे, आपकी बातों में भावुकता ज्यादा और तर्क कम रहेगा, इस कारण आप अपनी बात कहने में भी परेशानी महसूस करेंगे। क्या करें, किसी कांटेदार पौधे में तांबे के बर्तन से पानी डालें। लव पार्टनर से सहयोग और धन लाभ होगा, लव प्रपोजल के लिए दिन अच्छा है, करियर बिजनेस में फायदा होगा, कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा नकारात्मक हो सकता है, सावधान रहे, हेल्थ, पेट खराब हो सकता है, बदन दर्द भी बना रहेगा। तुला पॉजिटिव, धन लाभ हो सकता है, ऐसे काम से फायदा होगा जो लंबे समय तक चलेगा, परिवार के बारे में अचानक कोई गोपनीय बात भी पता चल सकती है, कई तरह के रोचक विचार और योजनाएं आज बन सकती हैं, आपकी किसी बात से लोगों को एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है, अविवाहित लोगों का विवाह भी तय हो सकता है, आप बुद्धि से अपने काम पूरे करवा सकते हैं, दुश्मनों पर जीत मिल सकती है, आज आप खुद को साबित करके दिखा देंगे, दोस्तों और परिवार से सहयोग मिलने के योग हैं, कोई अच्छी खबर भी आज आपको मिल सकती है, आप खुश हो जाएंगे, बेरोजगार लोगों के लिए दिन अच्छा कहा जा सकता है।
नेगेटिव आपके विचार और बोली गई बातें अलग अलग हो सकती है। ऐसी स्थिति से आप खुद परेशानी में पड़ सकते हैं। अपनी योजनाओं पर किसी से बात ना करें। किसी से अपने मन की बात शेयर करने से भी बचें। आप किसी से कोई वादा भी ना करें। किसी नजदीकी व्यक्ति से पैसों को लेकर कोई मतभेद भी हो सकता है। आप इससे उदास भी हो सकते हैं। क्या करें? माता जी के मंदिर में पीली सरसों चढ़ाएं। लव पार्टनर पर नाराज ना हो। विवाद की स्थिति बन सकती है। करियर काम ज्यादा रहेगा। आप धैर्य रखें। स्टूडेंट्स के लिए दिन अनुकूल और अच्छे परिणाम वाला है। दोस्तों से मदद मिल सकती है। हेल्थ जोड़ों का दर्द परेशान करेगा। सावधान रहें। वृश्चिक पॉजिटिव अचानक धन लाभ हो सकता है। रुका हुआ पैसा मिलने के योग है। पैसों के मामले सुलझ सकते हैं। दोस्त आपको समस्याओं से बाहर निकलने में मदद करेंगे। दोस्तों से आपको फायदा होगा। कामकाज से संबंधित अच्छे और व्यावहारिक आइडिया आपके दिमाग में आएंगे। किसी भी अनबन को जल्दी ही सुलझाने की कोशिश करें। व्यवहार कुशलता और सहनशक्ति से काम लेंगे तो ज्यादातर मामले खुद ही सुलझ जाएंगे। नेगेटिव नौकरी और कामकाजी जीवन में दुश्मनों से सावधान रहें। सावधानी से व्यवहार ना करने पर किसी नजदीकी व्यक्ति से अनबन हो सकती है। कामकाज में ज्यादा मेहनत के बावजूद कुछ कम सफलता मिलेगी। किसी काम के लिए जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे आपको उतनी ही परेशानी महसूस होगी। किसी भी काम की शुरुआत के लिए दिन ठीक नहीं है। क्या करें? माता जी के मंदिर में गुदगल चढ़ाएं। लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। इससे रिश्ता मजबूत बनेगा। करियर खर्चा और काम दोनों ज्यादा होने से परेशान रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में लगेगा। हेल्थ अगले के रोग हो सकते हैं। जोड़ों का दर्द रहेगा। धनु पॉजिटिव आर्थिक स्थिति में कुछ बड़े बदलाव होने के योग हैं, जिनसे आप खुश भी रहेंगे। आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई रहेगी। अपनी अपेक्षाओं को संतुलित रखना होगा। आपको बिजनेस या कार्य क्षेत्र से जुड़ी यात्राएं करनी पड़ेंगी। अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। ऑफिस में तनावपूर्ण स्थिति खत्म हो सकती है। मेहनत और समझदारी के साथ आप कुछ ऐसे काम निपटा सकते हैं जो जोखिम भरे हैं। कोई बड़ी टेंशन भी खत्म हो सकती है। निपट चुके कामों को एक बार फिर से चेक कर ले। आपको हर काम आसान भी लगेगा। नेगेटिव आपकी मनस्थिति कुछ अजीब रहेगी। किसी काम या अपनी बात को जबरदस्ती पूरा करवाने की कोशिश ना करें। आपके बहुत से काम अटक सकते हैं। आज कोई जरूरी काम अधूरा रह सकता है। काम ना होने पर चिड़चिड़ापन रहेगा। विवाद या बहस की स्थिति बन सकती है। अपनी वाणी पर सख्ती से नियंत्रण रखें। जिम्मेदारियों और कुछ देनदारियां के कारण भी आप परेशान हो सकते हैं। थकावट महसूस होगी। खर्चा बढ़ सकता है। क्या करें? किसी अनाथ या अपंग को फल बादाम खिलाएं। लव पार्टनर से फायदा हो सकता है। सुख और प्रेम मिलेगा। जरूरी कामों में फायदेमंद सलाह मिल सकती है। करियर महिला सहयोगियों से फायदा होगा। कुछ जरूरी काम अधूरे रह सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। हेल्थ आपकी सेहत में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। एसिडिटी या अपच की समस्या भी हो सकती है। मकर पॉजिटिव ऑफिस या बिजनेस में नई पहल करने का समय है। अपने कामकाज में नया प्रयोग करने में आप सफल हो सकते हैं। दिन आपके लिए ठीक है। आज आप जो भी सोचेंगे उसमें सफलता मिल सकती है। किए गए कामों का पूरा नतीजा भी मिल सकता है। कामकाज में तेजी आ सकती है। अधिकारी आपकी तारीफ करेंगे। मन चंचल रहेगा। आप थोड़े रोमांटिक हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ समय बीतेगा। साझेदार से फायदा भी होगा। रोजमर्रा के कामों से फायदा हो सकता है। प्रॉपर्टी के काम भी पूरे हो सकते हैं। पुराने काम समय से पूरे हो जाएंगे। पारिवारिक समस्याओं के समाधान का मौका मिल सकता है। कानूनी मामले निपट सकते हैं। नेगेटिव कामकाज में मन कम ही लग पाएगा। थकावट भी महसूस हो सकती है। काम का लोड भी बढ़ सकता है। आज आपको कुछ गलत फहमियां हो सकती है। मन में थोड़ी उधेड़बुन भी चलती रहेगी।
क्या करें? किसी भी मंदिर के पुजारी को तिलक लगाकर प्रणाम करें। लव पार्टनर आपके प्रति संवेदनशील रहेगा, उसकी बातों में छुपे इशारे समझें। करियर कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलेगा, रुका हुआ पैसा मिलने के योग है। स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी, समय अच्छा रहेगा। हेल्थ मकर राशि वालों की सेहत ठीक रहेगी। कुंभ पॉजिटिव, सोचे हुए पुराने काम शुरू करें, फायदा हो सकता है। आज आप अच्छा महसूस करेंगे, जो सपने आपने देखे थे वो पूरे हो सकते हैं। सामूहिक और सामाजिक काम के लिए दिन अच्छा है। परिवार के ज्यादातर काम आपको निपटाने पड़ सकते हैं। दोस्तों के साथ समय बिताएंगे, किसी तरह के निवेश की योजना भी बना सकते हैं। धन लाभ हो सकता है, उधार दिया गया पैसा आपको मिल सकता है। ऑफिस और बिजनेस में आपके लिए गए फैसले बड़ा फायदा देने वाले होंगे। नेगेटिव आर्थिक हालत के कारण टेंशन बढ़ सकती है, बिना सोचे समझे कोई ऐसी बात कर सकते हैं जो किसी को ज्यादा ही गहराई तक महसूस हो सकती है। आप अपनी ही मनमर्जी के काम करेंगे तो परिवार में तनाव बढ़ सकता है। किसी बिजनेस में निवेश करें तो सावधान रहे, कोई भी बात सोच विचार कर ही कहें। क्या करें? कुमकुम से ऑफिस या घर के बाहर स्वस्तिक बनाएं। लव लाइफ के मामले में दिन अच्छा है, प्रेमी जोड़े सुख और प्रेम से दिन बिताएंगे। लाइफ पार्टनर से भावनात्मक सहयोग मिलेगा। करियर बिजनेस में कोई रिस्क ना ले, किसी को भी पैसा उधार देने से बचे। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है, हेल्थ थकान और आलस्य और बढ़ सकता है, पुराने रोग भी परेशान कर सकते हैं। मीन पॉजिटिव, आपके लिए दिन खास रहेगा। कुछ ऐसी बातें या चीजें सामने आ सकती हैं जो आपको आने वाले दिनों में बड़ा फायदा देंगी। किसी कठिन मामले को सुलझाने के लिए अच्छा दिन है, अपनी समझदारी का इस्तेमाल कर ले। चंद्रमा गोचर कुंडली के भाग्य स्थान में है। कार्यक्षेत्र में जान पहचान के लोग मददगार रहेंगे। आज दूसरों की जितनी मदद करेंगे आपके काम उतनी ही आसानी से पूरे हो जाएंगे। नया सौदा आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, दिन शुभ रहेगा, कोई बीमारी भी ठीक हो जाएगी। किस्मत का साथ और रुका हुआ पैसा मिलने सकता है। नेगेटिव थकावट महसूस करेंगे, आपके लिए जो लोग महत्वपूर्ण हैं उनके साथ अनबन या कोई गलतफहमी भी हो सकती है। उलझी हुई बातों को सुलझाने के लिए बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। क्या ना करें? पिंक या लाल रुमाल यूज ना करें। लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। करियर काम में मन लगेगा, धन लाभ भी हो सकता है, छुट्टी मनाना बेहतर है। वाणी पर संयम रखें, स्टूडेंट्स के लिए दिन महत्वपूर्ण हो सकता है। हेल्थ, पुराने रोग दूर होने के योग हैं, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी।